नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तोमर एस्कॉर्ट्स फार्म पावर की तरफ से। आज हम आपको फार्म पावर की एक और नई एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, मल्टी क्रॉप थ्रेशर डबल स्पीड। ये कैसे काम करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। मल्टी क्रॉप थ्रेशर में हम धान के साथ साथ गेहूँ, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और आदि फसलों को भी निकाल सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ से फसल अंदर डाली जाती है। फसल डालने के बाद जो हमारी बची हुई पुआल होती है वो यहाँ से बाहर निकलती है और कम से कम 30 से 35 फुट दूर बाहर तक फेंकती है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो दाना है, बीज यहाँ पे आके गिरता है, इसको हम झूला बोलते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे हमारे दो सक्शन पॉइंट, जिनको हम फिल्टर भी बोलते हैं, लगे हुए हैं। जो पहला सक्शन पॉइंट है, अगर कोई दाने के साथ बड़ा कचरा है तो पहला वाला सक्शन पॉइंट फेंक देता है। अगर उसके बाद भी अगर कोई बारीक कचरा रह जाता है तो जो हमारा दूसरा फिल्टर है वो उस कचरे को सक करके यहाँ से बाहर फेंक देता है। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हमारा दाना आता है। इसके बाद भी अगर दाने के साथ कोई मिट्टी है या कोई और छोटा मोटा कचरा बाकी रह जाता है तो यहाँ पे हमने एक ब्लोअर लगा रखा है, जिसकी मदद से बाकी का बचा हुआ कचरा भी बाहर निकल जाता है और यहाँ से आपका साफ दाना आपको मिल जाता है। इसमें हमने दो फ्लाईव्हील दिए हुए हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ये फ्लाईव्हील हमारी डीजल की खपत को कम करते हैं। फसल के अनुसार इसके अंदर जो ड्रम जाली लगी हुई है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं इन दो बोल्टों की सहायता से बिना खोले। एक और फायदे की बात करें तो हमने इसके अंदर डबल स्पीड फंक्शन दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप पंखों की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी अपनी फसल के अनुसार। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मल्टी स्पीड थ्रेशर डबल स्पीड कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। धन्यवाद।